बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आ रहे हैं वो है बीफ कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बकरा ईद आ रही है और ईद पे वाफर मकदार में बीफ और मटन का गोश्त आपको अवेलेबल होगा, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। तो आइए चल के शुरू करते हैं कि ये कैसे बनती है। यहाँ चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें अब हम घी या आयल, मेरे पास आयल है, आपके पास आयल नहीं है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 300 ml के बराबर जो है वो आयल लिया है। कढ़ाई में हम इसको गर्म करेंगे। मैंने प्याज को ऑमलेट चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाएँ और जल्दी भुन जाएँ, क्योंकि बड़े प्याज जो होते हैं वो गलने में ज़रा ज़्यादा देर लगाते हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। फ्राई करूँगा 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज की जो खुशबू है और जो अदरक और लहसुन की खुशबू है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और थोड़े से ये सॉफ़्ट भी हो जाए। अब ये सॉफ़्ट हो गए हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें बीफ का गोश्त ऐड कर दूंगा। यहाँ मैंने 2 kg बीफ का गोश्त लिया है और उसके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स की शक्ल में इसको काटा है, क्योंकि बोटियाँ जितनी छोटी होंगी जल्दी कुक हो जाएंगी और जो मसाला है उनके अंदर तक ज़रा अच्छे तरीके से रिच हो जाता है। ये देखिए, और चम्मच की मदद से अब मैं इसको हिला दूंगा, ताकि ये अच्छे तरीके से प्याज और लहसुन अदरक का जो टेस्ट है इसमें ऐड हो जाए। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। चम्मच आपने इसमें हिलाते रहना जब तक ये पानी ना छोड़े। ये देखें 3 से 4 मिनट मुझे हो गए हैं और बीफ ने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा ये अब कुक भी होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये पानी भी छोड़ता जाएगा और नरम भी होता जाएगा। जिस तरह पानी छोड़ेगा उसी तरह ये कुक होता जाएगा। इस तरह का, और चम्मच के साथ आपने कढ़ाई की साइडें भी साफ़ करते रहने, ताकि जो मसाला है वो जले ना। और इस स्टेज पर ये देखें काफ़ी सारा अब नरम हो गया है, पानी भी छोड़ दिया। यहाँ मैंने 1 चम्मच के बराबर हल्दी इसमें ऐड की है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये हल्दी ऑप्शनल है इस कढ़ाई में, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें, लेकिन हल्दी से टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैं 2 kg बीफ में 2 चम्मच ही नमक ऐड करूँगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने इस स्टेज पर पानी से पहले इसलिए ऐड किया है, ताकि ये गोश्त के अंदर तक नमक का टेस्ट जो है वो अंदर तक इसके चला जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 400 ग्राम टमाटर। बड़ी शक्ल में मैंने इनको काटा है, बारीक बारीक नहीं काटा, ताकि जैसे जैसे गोश्त पकेगा उसी हिसाब से ही टमाटर इसमें गलेंगे और इनका पानी ऐड होता जाएगा। कवर करके हम इसको पकाएँगे 8 से 9 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए और गल भी जाए। 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसमें 2 चम्मच मसाला ऐड किया है गरम पिसा हुआ, और 1.5 चम्मच के बराबर मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है। बस ज़्यादा मसाले और हमें इसमें ऐड नहीं करने, सिर्फ काली मिर्च ही ऐड करनी है और गरम मसाला एज़ पर टेस्ट जितना आपको चाहिए हिला देंगे। सुर्ख मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं करनी। 8 से 9 मिनट हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मर्च और मसाले का टेस्ट जो है वो कढ़ाई में चला जाए। और साइडों जो है ना उसको चम्मच की मदद से, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक नहीं है, ये सिल्वर स्टील की कढ़ाई है, तो ये साइडों पे मसाला जो है वो शुरू हो जाता है जलना। अब इसको कवर कर देंगे और 8 से 9 मिनट पकाएंगे। 8 से 9 मिनट हमने पकाया है। गोश्त ने जो अपना पानी था वो खुश्क हो गया है, देखें घी ऊपर आ गया सरफेस पर, और गोश्त हमारा अब काफ़ी सारा नरम हो गया है, पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ उतना ही करना है कि जिसमें गोश्त गल जाए और पानी भी साथ साथ ड्राई हो जाए। कवर करके पकाएंगे हम इसको 20 मिनट 20 मिनट हो गए हैं। पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है,
गोश्त भी काफ़ी सारा गल गया है। अब मैंने इसमें 300 ग्राम दही ऐड करी है। दही को मैंने अच्छे तरीके से पहले फेंट लिया था, उसके लम्स वगैरह ख़त्म हो गए थे। अब चम्मच की मदद से हम इसको हिला के मिक्स कर देंगे। जितना हम अच्छा चम्मच चलाएंगे उतना ही हमारा टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ गोश्त के ऊपर अच्छे तरीके से चली जाएगी। गोश्त हमारा अब काफ़ी सारा गल गया है। इस स्टेज पे है मैंने 4-5 सब्ज़ मिर्च काट के दरमियान से इसमें ऐड कर दी हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। इस तरह आप ऐड करें। इसकी मैंने डंडलियाँ उतार ली हैं और दरमियान में से काट कर हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे बिल्कुल मीडियम लो पे। गोश्त हमारा बिल्कुल पक गया है, कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। सब्ज़ धनिया यहाँ हम गार्निश के लिए लगा देंगे और साथ ही हम अदरक, उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया था, उसकी भी इस तरह गार्निश कर देंगे। तो लो नाज़रीन, हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। आगे ईद आ रही है, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज वाली रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल छोड़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी आज वाली रेसिपी कैसी लगी।